लगातार अलग अलग हल्कियाँ के अलग अलग गामा के जो आपने सर्वे देखे हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो है माहौल मिले हैं। राजनीतिक जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अलग अलग जगह पर जो है एक माहौल दिखा है कांग्रेस का। तो आज जो है सीके अंदर रैली चलन लग रही है। फिलहाल जो है दीपेंद्र हुड्डा जी जो है अभी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं मौके पर। तो यहाँ की जनता से पूछेंगे कि किसका माहौल है, किसकी तरफ लहर जान लग रही है, किसकी तरफ हवा जान लग रही है। सारे काके ताऊ भी अपने युवा साथी बैठे हैं, पूछेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। राम राम, कैसे हो? बढ़िया। हंसी से हो? हंसी से। क्या कुछ माहौल दिखने लग रहा है हंसी का आज यहाँ पे? इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है और दीपेंद्र हुड्डा जी आने लगे। जयप्रकाश का एक तरफा माहौल है भाई। एक तरफा माहौल है जमा, एक तरफा। अच्छा, के कुछ उम्मीद जयप्रकाश जी से आप लगा रहे हो कि भाई मंत्री बनने के बाद, नेता बनने के बाद, एमपी बनने के बाद जो है आपकी ये समस्या को समाधान कराएंगे? ये समस्या समाधान हो जाए कांग्रेस आएगी तो। अच्छा, 10 साल हो गए। 10 साल किसकी डर की माटी कुटी है? ना तो युवाओं ने रोजगार है, ना काम धंधे। अच्छा, व्यापारियां पर जीएसटी त्रिया त्रिया टैक्स ला दिए। हाँ। और सड़कों का बुरा हाल है, शहर की सड़कों का, शहर की सफाई का। गम्मा तो बुरा हाल हुए कर रखे पहले। हाँ। बिजली की समस्या, रोजगार की समस्या। 15 लाख आने दे में नहीं आए आज तक किसी के, झूठ के पुलिंदे बांधे थे। बिल्कुल, सारा सौदा तो खत्म था। अच्छा, 2019 का जिक्र करूँ, विनोद बियाणा जी 53,000 वोटों से, यानी 53,000 वोट आए थे उनके पास और उनके खिलाफ जो है 52,000 आए थे। तो इबके नु बताया दो, हंसी की जनता कितने वोटों का जो है जीत कराओगी? कम से कम 40,000 वोट फालतू आऊंगे। जयप्रकाश जेपी जी के 40,000 वोट फालतू। हाँ, वोट फालतू। इस बात की पूरी लहर दिखना, पूरी लहर, पूरी लहर देख लो आप जाके। आदमी को नोट दे, आदमी इतने हो रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, न्यू बताओ जो अपना 80 की सड़क का हाल देखा, ये वोट मांगना है बीजेपी वाले कि हमने ये कराया, हम वो करा देंगे, हम ये करा देंगे। तो ये मेन सड़क भी फटी पड़ी है, अभी देखा था मैंने। और रस्तों भाई पैटरियां पे रोड तो बुरा हाल है। मतलब आधी किलो माटी खा जाए आदमी, सांस नहीं कर जाना। हाँ, मतलब मोटरसाइकिल पे जाओ तो माटी खाता जाओ, माटी खाता जाओ। तो आपने किस प्रकार उम्मीद है, आपने किस प्रकार भरोसा है कि ये सारा का सारा समाधान जो खेल बिगड़े पड़े हैं समाधान हो जाए भाई? कांग्रेस आएगी तो सारा समाधान। अच्छा, स्वास्थ्य का शहर में जिक्र कर रहा हूं, इसी शहर के अंदर स्वास्थ्य की कैसी सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं, सिविल अस्पताल में जाके चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं। सिविल अस्पताल में जाके देख ले, नाम रजिस्ट्रा में इतने लिखे पाऊंगे, बार बार डॉक्टर बुलाए जाऊंगे, सुविधा है नहीं। सुविधा है नहीं, कोई सुविधा। शिक्षा की हो? शिक्षा की भी कुछ नहीं, शिक्षा की भी कुछ नहीं। अच्छा, सफाई हो कि बस शहर चमकता दिखता हो? सफाई को नहीं भाई, कोई सफाई नहीं, सफाई को नहीं। अच्छा, ईवीएम इलेक्शन लो लग गया तो ये सड़क सी बनने लगी है। अच्छा, निशारा ही टूटा पड़ा है, यानी कि 10 साल का समय अंतराल में कोई काम नहीं बनया और ये भी काम बनता दिखने लग रहा है। हाँ, उम्मीद है, चुनाव पूरी पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है चुनाव पास में हुआ तो काम बनता दिख रहा है। अच्छा, जो नेता मंत्री आपका घर अगर दे गिड़गिड़ा कर दे, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वही 10 साल में दिखेगा भाई? कोई नहीं संभालता, कोई नहीं संभालता, एक बार जीते पाछा कोई नहीं संभालता, कोई नहीं संभालता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, यही जानने का प्रयास कर रहे थे, आगे और जानेंगे। हाँ जी, बताओ जी, बताओ बताओ भाई साहब, बताओ भाई साहब। इन तो इतने छेक रहे, हमारा एक भाई शहीद होया था। किस तरह छेक रहे हो? बीजेपी आया था। अच्छा, अच्छा। शहीद होया था हमारा भाई निशांत मलिक ने डेरी का। अच्छा। एक ईंट टिकवाण जो के कोने हुए, मतलब उनकी प्रतिमा भी नहीं बनवा सके। अरे आप पिछा तो एक शहीद का बाप ने खुद खड़े हो गए, अपने पैसा तो अपना बेटा की मूर्ति बनवाई, ये घोड़ा खड़े है ईंट दरवान जो के कोने हुए, किस मुंह तुम्हारा धोरा के वोट मांग लेंगे जो तुम्हारा है जड़ जड़। ये तो नु कहे है कि भाई हम तो फौजियों का नाम पे वोट मांगा, धर्म का नाम पे, राम मंदिर का नाम पे वोट मांगा। भाई इन्हें तो एक उठा लिया सी गुफा। हाँ, फौजियों का नाम पे आंकड़े उठा के देख लो। हाँ। 10 साल में सबसे ज्यादा शहीद इनकी सरकार में हुए हैं, उस फौज ने अग्निवीर लेके वाकर दी खत्म। अग्निवीर से आप सहमत नहीं हो? अग्निवीर से तो ये न्यू कहने लग रहे हैं हर घर में जितने भी युवा जितने बच्चे उन सब ने मौका मिलेगा एक सेंट रुपये। भाई साहब, अग्निवीर की स्कीम ऐसी हर घर में हर एक ने मौका मिलेगा। आप जाओगे, तैयारी करोगे और 4 साल में घर भेज देंगे, बाई चांस में बाई दवे 3 महीने ट्रेनिंग देकर हथियार पकड़ाए खड़े कर देंगे। एक फौजी की ट्रेनिंग पूरी उम्र चलती है, किसी फौजी परिवार ने जाके पूछियो, फौजी ने पूछियो, 3 महीने में ट्रेनिंग दे फौज में खड़े कर देंगे, हथियार चलाओगे, शहीद करने भेजने लायक रहे और उसके बाद उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। तो फौज के लिए कर दिया, फौज ने कमजोर करने की साजिशें हैं, अडानी अंबानी को फ्री के सिक्योरिटी गार्ड देने की साजिशें हैं, बेवकूफ बना रहे हैं अग्निवीर के नाम पर हमारे देश को ये लोग, यानी कि सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ दिखाई दे। बिल्कुल, देश के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। अगर आपको देश से प्रेम है और सच्चे देश भगत हो तो मोदी भगाओ और देश बचाओ। चलो, आपने ये बात कही है कि मोदी भगाओ देश बचाओ, लेकिन यह बात कब तक सही है? 24 साल का एक युवा जवान लड़का रिटायरमेंट कर रहा है और एक बूढ़ा मानस आगे नड़ो जी कैमरे के 75 साल का बूढ़ा मानस है, न्यू कहे मेरे को एक मौका और दो, एक मौका नहीं, 47 तक मांगे हो दो। भाई साहब, एक तो ये 47 पढ़े, 5-5 साल के जोड़ा है, 5 साल में
लोकसभा चुनाव होता है, 2047 में तो लोकसभा चुनाव होता ही नहीं। एक तो खड़े कह दिया 2047 में ही मैं आऊंगा, भाई साहब 75 साल का हो गया, बुढ़ापा में सठिया रहा है, कुछ भी कह दे है, ठीक है, इसकी बात कहने सिर पैर नहीं है, कुछ भी कह दे यार, खड़े थोड़ी जबान पड़ा मुंह अगर मैदान पड़े है, कुछ कह दो। हाँ, यह बात भी सही है। अच्छा फिर नु कहते कई जने बैठे हुए हैं चौक चुराहे पे कि भाई 70-75 साल इन्हें राज करे कांग्रेस है, इन्हें क्या कर दिया आप, इनके कुछ काम एक और ये अंधभक्त पढ़ देखो नहीं व्हाट्सएप पर सुना कहते 75 साल कांग्रेस ने कद राज कर लिया, 75 साल 1952 पहला चुनाव होया, 75 साल तो चुनाव होया ना कोनी होए, 10 साल इस बाबू ने बैठे ना होगे इनका बाबू, 5 साल अटल बिहारी और करके वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह करके फिर के करके 70 साल इन्हें कद राज कर लिया, भाई साहब राज तो 40-45 साल करया है, ठीक से 20 साल कितने आखिरी पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने था, उसके बाद इनका कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है, मुख्यमंत्री इनका परिवार का अलग नहीं बना है, आरोप इनके ऊपर सारे आपका भीतर भ्रष्टाचारी ले लिए, और 2014 में जब एक आरोप लगाया था छोटा छोटा बोला भाई मारे तो 23 लोगों पर आरोप लाया करते, चक्की पिशिंग और नू कर देंगे, नू कर देंगे, 21 आज इनकी पार्टी में बैठे हैं, बेकू बनाए रहे हैं देश का सीधे आम, और खड़े होकर एक बार आओगा मुसलमान तारा नू खोज लेंगे, नू खोज लेंगे मुसलमान कुछ नहीं खोज दे, खोज सका तो ये बचा लो इस तरह। अच्छा फिर नु को है एक मिनट भाई की बात पूरी होने दे, भाई की बात पूरी होने दे। अच्छा फिर नु को है कि भाई महंगाई खत्म कर देंगे हम महंगाई सिलेंडर सस्ते कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई में कितना की इजाफा मिला है, करण लायक रहे भाई करण लायक रहे, ये एक देश बिले एक देश ने एक कानून में बैठ देंगे, राजस्थान में गए तो बोले हम 500 रुपये सिलेंडर कर दें, हरियाणा वाले 1000 का लेने लायक रहे हैं, एक कर दिए महंगाई भी कम कर दी, बढ़िया काम कर दिया, पेट्रोल 56 रुपये आया करता आज 90 रुपये, डीजल मिला 98 रुपये, पेट्रोल मिला है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे भाई साहब, सिर्फ टैक्स बढ़ा रखा है, सिर्फ टैक्स बढ़ा रखा है, पेट्रोल के दाम नहीं, कच्चा दाम 2014 में इस तक कच्चा तेल का दाम इस तक कम होया करता, आज कच्चा तेल का दाम तो कम है और आप ये महंगा खरीदने लायक रहे हैं, तो ये देश की एक मीच रखी है, एक बार खड़े होके कह दे मुसलमान करेंगे, जो लोग पाकिस्तान डराओगे जिस देश पर खान ने तो चून कोई नहीं उस तक हमने डरा लायक रहा है, हमारे पास सबकी मेहर हम डर जाएंगे उस तक हमने वोट दे दो, ये बना रहे हैं देश का बेवकूफ, और लोगों का आएगी समझ में जट जो तुम्हारे गांव में बढ़न कुन दे थोड़े दिन में शहर में कौन बढ़न दे, 10 साल में है देश की गरीब जनता के लिए किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, आपके कहने के मुताबिक किसानों के लिए करया भाई, किसानों के लिए बहुत कुछ करया, 600-700 रुपया DAP कट्टा आया करता, ठीक से 1300 का कर दिया, ठीक से कांग्रेस सरकार थी कोई भी MSP प्राइस कम से कम 200-225 रुपये दिया करते, 120 रुपया फालतू नहीं बढ़ा दे, उसके बाद सिलेंडर का दाम अपने बेराए है, किसान के लिए यूरिया का कट्टा भाई 170 रुपया आया करता, सड़क में कांडे कांडे को नहीं आता, 50 किलो का आया करता, वो कांडे वाली भी बताऊंगा, 50 किलो का कट्टा आया करता 170 रुपया का, 290 का 40 रुपया का, ये तो किसान खातर कर दिया, फिर बोलिया 2022 में आमदनी दुगनी कर दूंगा, 2022 में हमारे 750 रुपए दिए बॉर्डर पे बिठाए गए, वह कर दिया आमदनी दुगनी, ठीक है खर्चे बढ़ाए दिए 4 गुना, और आमदनी किसान की मात्र 26 रुपए प्रतिदिन, और वो कर दिया हमने 25 करोड़ गरीबी तो बाहर गेट दिए, ये फिर नु कहे 2000 रुपये किसान का हमने खाता में भी नहीं गेट दिए, ताव और बंडल पी जाते होंगे मेरे रोज का इतना का, तो क्यों बोली कुछ बनावा है, और 2000 रुपये नु कहा होकर है एक धान लेने या किसान है आंकड़ा फड़ाइयो रोज का कह डीजल लीटर 8 लीटर तो फुकदा होगा 56 रुपया 90 कर दिया 24 8 फड़ाइयो भाई 200 रुपये देव 200 रुपये रोज के, क्यों बेको बना रहे हो देश का 2000 रुपया में क्यों है, किसान सम्मान को नहीं किसान का तो अपमान कर रहे हैं, यो कहेगा कि 2000 रुपया लॉलीपॉप पे चूस लो मारे तो यही पल्ला है, काम को नहीं चूसा भाई, यानी कि 10 साल की इस सरकार तो आप इतने नाराज हो कि आप अपने पूरी हंसी नाराज है, हंसी कोने भाई पूरा देश नाराज है, ठीक है ये गले सिंह मारा था 80 पार का नारा, ठीक है आई थी 40 में भी रोड दो पोल करके कितने 40, ठीक है कर्नाटक में गए बिलानी कितने पार कर्नाटक में चपे उरे कह दी 400 पार भाई साहब 140 जो है बोल उत्सुक है, हाँ जी आप आ जाओ जी आप बताओ जी। सारे बारी बार से पूछ लूंगा, हाँ जी सवाल था आपका, आप महिला बारम को थे यो कर दिया साक्षी मलिक और महिला कौन थी जो जंतर मंत्र पर गेड़ के पिट्टी ओके था, मैंने कब कहा भाई महिला के लिए कर दिया, आपने क्वेश्चन करे था यह सरकार ने कहा महिला के लिए हम ये कर दिया, हाँ। साक्षी मलिक और महिला कौन थी जो जंतर मंतर पर और पगेड़ के पिट्टी नू सरेआम नू पिट्टी थी, हाँ। के हंसी की होगी भाई साहब, हाँ तो कहने का मतलब है कि हंसी की जनता जो है हंसी हंसी की नहीं भाई के कहने के मुताबिक तो जो है सारे देश की जनता जो है खिलाफ इंडिया की जनता हम, अच्छा अंकल जी भी काफी उत्सुक दिखा, एक मिनट आपसे भी सुनेंगे, हाँ जी बताओ अंकल भाई यो मोदी वोट कैसे मांग रहा है, अच्छा यो तो कैमरे की तरफ बोल रहे हो, मोदी वोट क्यों मांगा, ये तो 16 महीना में रिटायरमेंट हो जाएगा, अच्छा 2014 में इसने बोल लिया था भाई 75 साल का होते ही रिटायरमेंट मंत्री हो जाएगा, हो गया अडवाणी में रिटायरमेंट कर दिया, सुमित्रा महाजन रिटायरमेंट कर दी,
जोशी रिटायरमेंट कर दिया, वे मंत्री को नहीं वे घर बैठे हैं रिटायरमेंट है। इसके भी जो 16 महीना पर एक बात सुन, जो मोदी आ गया इसकी सीट को नहीं डबल जीरो, डबल जीरो सीट को नहीं आनी इसकी, नहीं आना जाना, हाँ 99 रहनी है। ठीक है, अच्छा अभी एक बार माहौल दिखा दें आगे का, अभी आप जो बोलने के चुका आगे आ जाओ, हाँ जी आगे आ जाओ, गौड़ आ जाओ, पब्लिक में आ जाओ, भीड़ में आ जाओ, आप बताओ भाई साहब बताओ। हाँ जी, के कितने खुश हो सरकार से? सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर चुकी है, पूरी की पूरी देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से प्रधानमंत्री की, आज तक कोई जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने अपने पद की गरिमा रखी है, नरेंद्र मोदी ने उस गरिमा को तार तार किया है, पूरा के पूरा देश की जनता गुस्से में है, पूरा देश की जनता इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी और देश को खुशहाली के रास्ते पर लेके जाएगी। भगवान तो ने मजबूत करे भाई, भगवान तो ने मजबूत करे, इतने ख्याल रखा है। आज भीड़ दिखा देता हूँ एक बार, हांसी के अंदर जो है भीड़ देख लो, आगे आज पब्लिक में जाके बातचीत करांगे, सारी की सारी काके ताऊ बैठे पाओगे, उड़का निकाल दे भाई, लो रो कैमरा मैन चल आ जा, आगे दिखाता हूँ आपको सारी सारी तस्वीरें, दिखा दे मेरी कैमरा को मैं, और पाछा तक की भीड़ जो है कंट्रोल नहीं होने लग रही, सारे के सारे जो है भाई साहब थोड़ी जगह दियो, थोड़ी सी जगह दे दो, तो ये तस्वीरें जो है आंसी से आप देखने लग रहे हो, इन तस्वीरों को साथ की साथ शेयर करते रहिए, बीच बीच में जो है बात आगे लो आ जा, बीच बीच में बात करांगे सारे भाई आता है काके ताऊ आता है, के कुछ माहौल दिखा है जी, नमस्कार।